हम आज डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन, मतलब वीजीए की कैलकुलेशन और वीजीए प्रोग्रामिंग के थ्रू कैलकुलेशन करने के लिए इसके अंदर एमएस एक्सेस फॉर्म को। और सुबह के 8 बज गए हैं और हम आपके साथ, हमारे साथ वैभव जी ज्वाइन हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। वैभव जी आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस फॉर्म। तो चलिए एमएस एक्सेस का हम एक डेटाबेस ओपन करते हैं और उसमें हम फॉर्म को देखते हैं। और आपने रिकॉर्डिंग को देखा था आपने वैभव जी, जो मैंने आपको भेजा था? रिकॉर्डिंग देखा पर पूरा कंप्लीट नहीं देख पाया, तीन कोई बात चार वीडियो ही देख पाया नहीं, क्योंकि कंप्लीट आप कर लीजिए। तो बेसिकली हम कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले फॉर्म बनाए, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म आएगा जिसपे डिजाइन होगा और जिसके ऊपर हम जो है अपना ऊपर से जो हमारे कंट्रोल्स है वो ले सकते। जैसे कि ये हमारा बटन, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं एक निकालना चाहता हूँ कि मैसेज बॉक्स के थ्रू मुझे एक दिखे, एक कल मैं एक इनपुट करूँ वो वैल्यू, उसकी मुझे उसकी ग्रोथ बताए, ग्रोथ का हम कुछ निकालना चाहते हैं। ए बी लेके हमने ड्रैग किया, यहाँ पे इसका टेक्स्ट यहाँ पे अनबाउंड आ रहा है, इसलिए बाउंड नहीं किया गया है, ठीक है। और इसके लिए हमने इसको अपने हिसाब से मैं जा लेता हूँ। टेक्स्ट जीरो है, टेक्स्ट जीरो की जगह पे यहाँ पे देता हूँ पार्टनर वन, तो फॉर्म डिजाइन हो रहा है। और दूसरा एक और टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे अपने हिसाब से रख देता हूँ और इसको देता हूँ क्वार्टर टू, ठीक है। और एक और टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पे, तो ये बटन आए ना, ठीक हिला देखिए हेलो और यहाँ पे हम देते हैं ग्रोथ, ठीक है। सारे टेक्स्ट बुक। हाँ टेक्स्ट बॉक्स उठाई दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं फॉर्म में स्टार्ट करूं, इसे क्लिक करूं, इसे क्लिक करूं और फिर मैं वापस क्लिक करूं, तो यहां पे हमारा ग्रोथ, ठीक है। लेकिन बटन पे क्लिक करने के बाद, तो हमने यहां से बटन एक दिया कमांड बटन, क्लिक किया। जैसे कमांड बटन करेंगे तो प्री डिफाइन हमें आ जाता है कि आपको आखिर करना क्या, ठीक है ना। ये प्री डिफाइन ऑप्शंस है कि आपको इस फॉर्म बटन पे क्लिक होने पर क्या चाहिए, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं चाहिए था, यहाँ कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें खुद की प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब कमांड बटन को क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूँ कैल टू लेफ्ट, राइट। अब मुझे इस पे कोड चाहिए, तो कोड कैसे करूं? जैसे इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी शीट खुल जाएगा। आगे प्रॉपर्टी शीट खुल जाएगा तो इसमें इवेंट पे जाएगा। इवेंट में आप जो है, आप जो माइक्रो परफॉर्म करना चाहते हो किस इवेंट पे बात करना, तो मैं चाहता हूँ क्लिक होते, तो ऑन क्लिक। अब यहाँ पे बात आती है कि इवेंट प्रोसीजर ड्रॉप डाउन करोगे तो आएगा प्रोसीजर, या इस पे भी क्लिक करोगे तो आएगा। तो प्रोसीजर करने माने कि अगर आप मान लो प्रोसीजर नहीं सिलेक्ट करते तो इसको साइज देखूंगा, इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। और ये साइज में जो 3 डॉट्स हैं, इन डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये आपका वीवीई है, विजुअल बेसिक एडिटर। और हमें जो कोड लिखना है वो इस प्राइवेट सर्व कमांड 7 डॉट यहाँ पे अंडरस्कोर क्लिक, मतलब कि कमांड 7 पे क्लिक करने पे ओपन है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ओके हमें सर। करना है क्या, हाँ तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स को अपना एक नाम, ठीक है।
इसका नाम क्या है? टैक्स जीरो। इसका नाम क्या है? टैक्स टू। इसका नाम क्या है? टैक्स फाइव। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसका नाम चेंज कर सकते हो, ऑल में जाके टैक्स जीरो को जगह पे मैं कर देता हूं यहाँ पे क्वार्टर वन। अब इसका नाम क्वार्टर वन हो गया। किसको सिलेक्ट करता हूँ? इसका नाम देता हूँ क्वार्टर टू, क्वार्टर टू। और इसका नाम देता हूँ ग्रोथ। हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से बेनिफिट क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन में पता होता है कि हमें किस पे वैल्यू असाइन करें। तो हमारे पास Q1, Q2 और ये आ गया। तो अब ग्रोथ फॉर्मूले का कैलकुलेशन मैथमेटिकल क्या कहता है? मैथमेटिक्स कहता है कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन। ठीक है, तो चलिए इसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डी आर डॉट वैल्यू, समझे? डी आर क्या है? ग्रोथ इक्वल टू क्वार्टर टू डॉट वैल्यू माइनस क्वार्टर वन डॉट वैल्यू डिवाइड बाय क्वार्टर। समझे? डाउट है आपको? नहीं, अब बोर्ड मास मेथड को फॉलो करते हुए हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, समझे? हाँ सर। अब इसको फॉर्म को मैं सेव करता हूँ। फॉर्म वन के नाम से चेंज कर देता हूँ। फॉर्म वन, यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 50, यहाँ पे दिया 55 और कैलकुलेट पे क्लिक किया, यहाँ देखिए पॉइंट। अब मुझे जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को मुझे कन्वर्ट करने हैं कितने डेसिमल, समझे? कि डेसिमल्स में आना चाहिए, तो माफ कीजिए डेसिमल्स हाँ परसेंटेज में आना चाहिए। तो डिजाइन पे जाऊंगा, अनबाउंड को सिलेक्ट किया, इसके डबल क्लिक किया। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट आ रहा है ना? दो दिख रहा है। तरीका है। एक तरीका है कि फॉर्मेट आ रहा है, इस फॉर्मेट में विजिबल या तो डेट फिगर विथ हाइट लॉग, और यहाँ पे ऊपर में फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे क्लिक करो। यहाँ फॉर्मेट पे जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, लॉन्ग मीडियम शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट मीडियम करेंसी परसेंट। ठीक है, हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी परसेंटेज। एक पहला तरीका बता रहा हूँ, ऐसे सेट करता हूँ। अब मैं इस पे डाउन 55 एंड 58 58 5.45 का ग्रोथ, समझे? लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो उसके लिए फिर आपको क्या मतलब मुझे ये जो परसेंटेज है उसकी प्रॉपर्टी में जाके मुझे सेट करना पड़ा। मैं प्रॉपर्टी में सेट नहीं करना चाहता, मैं कोडिंग में सेट करना चाहता। तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन। इस कैलकुलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब जी आर की वैल्यू रिप्लेस हो जाए फॉर्मेट जी आर डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू, और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? डी स्लैश MMM, माफ कीजिए परसेंटेज ना, 0.0, समझे? तो हाँ ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि परसेंटेज का हमें लफड़ा नहीं पड़ा, हमें वहां पे परसेंटेज सेट करने की जरूरत नहीं। समझ गए? हाँ सर।
परसेंटेज सेट करने की जरूरत होगी। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका एक और आता है, क्या तरीका आएगा कि हम वेरिएबल्स ले लें। मैं यहां बोलता हूं कि यहां पे यू यहां पे ए इक्वल टू है U1 डॉट वैल्यू, एक तरीका ये भी देख लीजिए, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और बी इक्वल टू है U2 डॉट वैल्यू, समझे। और सी हाँ इक्वल टू कर दिया कि बी माइनस ए डिवाइड बाई ए, समझे। हाँ और फिर मैं यहां पे कर दूंगा कि जी आर डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, एक तरीका ए बी। ओके और एबीसी क्या है, जैसे हम मैथमेटिक्स बनाते थे तो मैथमेटिक्स में क्या होता था कि मैथमेटिक्स में होता था कि किस तरीके से हम लोग एबीसीडी एक्स वाई जेड लेते थे। तो क्या होता था, मतलब हमने बोला कि सपोज एक्स इक्वल टू 100, और जहां मुझे 100 चाहिए वहां पर हम एक्स का इस्तेमाल करते, समझ गए। हाँ वो सेम चीज यहां पे भी है कि आप अगर वेरिएबल्स इस्तेमाल करें तो कैलकुलेशन में आसान। अब इसमें एक चीज है कि यहाँ पे एबीसी हो सकता है कौन सी वैल्यू स्टोर करते, तो इसको हमको डिफाइन भी करना पड़ता है बहुत स्पेसिफिक में कि ए कॉमा बी कॉमा सी एज ए डबल, ठीक है। तो डबल क्या हुआ, डबल कास्ट हो गया, हमने इसकी कास्ट डिफाइन कर दी। इसपे अब डबल टाइप का डेटा स्टोर हो पाएगा, मतलब कि इस पे अब जो है ना टैक्स नहीं हो पाएगा, इस पे अब बहुत सारे और डेटा स्टोर नहीं हो पाएंगे, सिर्फ डबल में डेसिमल्स वाला डेटा ही, नंबर वो भी डेस नंबर का डेसिमल सच करेगा। तो और कितने तरह की चीजें होते हैं इस पे हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए। अब फिलहाल आप क्या करें, ऑफिस में जाएं और जो हाँ कैलकुलेशंस मैंने फॉर्म पे बनाए हैं ऐसे 10 कैलकुलेशन बनाएं और बना के मुझे मेल करें, ठीक ओके ठीक है है। चलेगा तो एक्सेस ओके के फॉर्म के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताया बीवीए के थ्रू, आपको ऐसे 10 कैलकुलेशन बना के मुझे भेज दें। ओके तो दोस्तों देखा किस तरह से मिस्टर वैभव जो कि एक डिफरेंट लोकेशन में मुंबई पे बैठा है, मैं दिल्ली में बैठा हूं, और उन्होंने मेरे साथ सुबह के 8 बजे ज्वाइन किया। तो आप भी चाहो तो हमारी ये क्लास लाइव डायरेक्टली डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। एक ट्रेनिंग का एक नया तरीका है जिसके जरिए आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पूरे डाउट अपने हिसाब से सीख सकते हैं। क्लासरूम में जाएंगे तो वहां पे 10 20 50 बच्चे होते हैं, उनके बीच में ट्रेनर सबके अकॉर्डिंग सिखाता है तो आप पे पूरा फोकस नहीं होता है, लेकिन हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम डायरेक्ट आपके ऊपर फोकस करते हैं। तो एक बार आप हमारी डेमो क्लासेस को ज्वाइन करें, अगर डेमो अच्छा लगा तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो करें। तो डेमो ज्वाइन करने के लिए खैर तो मुझे कॉल करें या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com को लॉग इन करें। Thanks for watching this video. Have a nice day.